भिलाई सेक्टर 5 में 15वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने राज्य के विभिन्न जिलों से खिलाड़ी भिलाई पहुंचे हैं। महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग में आयोजित इस प्रतियोगिता का लगभग 400 खिलाड़ियों ने शिरकत की है। वहीं 4 दिवसीय इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप का फाइनल 30 मार्च को सेक्टर 5 स्थित सत्य विजय ऑडिटोरियम में देखने को मिलेगा। प्रदेश एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष आर राजेंद्रन और महापौर नीरज पाल ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। यहाँ पर 15वीं राज्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और सेक्टर 5 में ये लगातार चौथी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है। इसके पहले 2017 के पहले लगातार 3 बार हुई है और ये 5 सालों के बाद ये सेक्टर 5 में चौथी है। वैसे छत्तीसगढ़ राज्य की 15वीं मुक्केबाजी राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता, इसमें छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों से आए हुए लगभग 350 से ज़्यादा बच्चे हैं, जिसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों टीमें हैं। सब जूनियर जूनियर मेंस वुमेंस सभी कैटेगरी में यहाँ पे मुक्केबाजी हो रही है और ये इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे ये हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर ये मुक्केबाज छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करेंगे। इस चैंपियनशिप में टोटल 18 टीमें भाग ले रही है, जिसमें 10 जो है छत्तीसगढ़ राज्य के जिले हैं जो हमारे से एफिलेटेड हैं छत्तीसगढ़ बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसके अलावा इकाई में हमारे 10-8 यूनिट, इसमें भिलाई स्टील प्लांट है, नगर निगम की सेकेंड टीम है अपना बिलासपुर की है, उसके बाद स्टील बॉक्सिंग क्लब है, स्टार बॉक्सिंग क्लब है, ग्रुप बॉक्सिंग क्लब है। टोटल 18 टीमें भाग ले रही है। ये जो विजय अभी जो है नेशनल फेडरेशन का जो कैलेंडर आया नहीं है, फेडरेशन का कैलेंडर जो है अशोक राव, इसी महीने 30 तारीख को एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है, मैं उसमें जॉइंट सेक्रेटरी हूँ इंडिया बॉडी के, तो उस मीटिंग में डिसाइड होगा कैलेंडर, उसके बाद जो होगा। और इसमें भी ये हुआ अगर नियर अबाउट एकदम 1-2 महीने के अंदर कोई भी नेशनल चैंपियनशिप होती है तो इनके विनर खेलेंगे, है ना। अगर वो 2-3 महीने 4 महीने के बाद होती है तो फिर सिलेक्शन ट्रेन रे कराएंगे।